सचिन की सेल्फिश पारियों की सीरीज में आज हम उनके पहले टेस्ट शतक के बारे में बात करेंगे। सचिन ने टेस्ट में कुल 51 शतक लगाए हैं, लेकिन पहला शतक उनके लिए और उनके फैंस के लिए काफी खास है। आइए जानते हैं शतक के बारे में, पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा। 1990 में मैनचेस्टर के मैदान पर चौथी पारी में 408 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की हालत काफी पतली हो गई थी। भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। केवल संजय मांजरेकर अर्धशतकीय पारी खेल पाए थे, लेकिन उनका संघर्ष भी ज्यादा देर नहीं चल सका और अर्धशतक जड़ने के तुरंत बाद वह आउट होकर चलते बने। भारत की जीत नामुमकिन तो लग ही रही थी, ड्रॉ करना भी अब असंभव नजर आ रहा था। जब सीनियर बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर 32 रन बनाकर आउट हुए तो भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 109 रन हो गया था और अब सबको लगने लगा था कि इंग्लैंड अब भारत को हरा देगा। अब पिच पर आगमन होता है एक 17 साल के बच्चे का, जो आगे चलकर क्रिकेट का भगवान कहलाने वाला था। हालांकि सचिन ने इस मैच के पहली पारी में भी 68 रन बनाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे और वो इस पारी में भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। भारत की हालत अब और खराब हो गई जब अजहरुद्दीन टीम के 127 रन पर केवल 11 रन बनाकर आउट होकर चलते बने। अब भारत की आधी टीम 127 रन के कुल योग पर आउट होकर ड्रेसिंग रूम में बैठी थी। इस सब के बावजूद सचिन ने हिम्मत नहीं हारी और जवाबी हमला करना शुरू कर दिया अंग्रेजी गेंदबाजों के खिलाफ। उन्होंने कुछ अद्भुत शॉट लगाए। उन्होंने कपिल देव के साथ मिलकर टीम को 183 रन तक पहुंचाया, पर इसी स्कोर पर कपिल देव एडी हेमिंग्स की गेंद पर आउट होकर चलते बने। भारत गहरे संकट में आ गया था, लेकिन यहां से सचिन को मनोज प्रभाकर का अच्छा साथ मिला। दोनों ने पॉजिटिव मानसिकता के साथ मैदान पर हर कोने पर शॉट्स लगाए। 17 साल के इस महान बल्लेबाज ने चौथी पारी में अपने पहले शतकीय पारी खेली। सचिन ने इस पारी में शानदार 17 चौके लगाए और 119 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं मनोज प्रभाकर ने 67 रन की नाबाद पारी खेली। दोनों ने मिलकर 160 रन की अवजित साझेदारी की और भारत के निश्चित हार को ड्रॉ में बदल दिया। सचिन की इस अद्भुत पारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।